guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm doing the most requested video on my channel and I'm going to show you all my skincare routine. Usse pehle I just want to give a little backstory, choti si. Mujhe skincare karte hue it has been 2 years. 2 years or more main bilkul consistently skincare karti hu. Isliye meri skin aisi hai jaisi aapko dikh rahi hai. So that doesn't mean ki jo main products bataungi aur ab abhi use karna shuru ho jao to ek hafte mein aapko wo result mil jaye, aisa nahi hoga. You will have to be very consistent with skincare. जैसे लोग बोलते हैं कि कैसे कर लेते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल है. मेरे लिए इट्स लाइक थेरेपी. रात को इट्स माई फेवरेट थिंग टू डू माई स्किन केयर एंड डेंस स्लीप. नींद भी इतनी अच्छी आती है ना, बस एक हैबिट डालने की देर है, उसके बाद आप लोग इन्जॉय करोगे इस चीज़ को. मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ स्किन केयर करना. दैट इज़ वाई माई स्किन लुक्स लाइक दिस नाउ, वरना ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी. माई स्किन हैड अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स हियर. छोटे 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 दाने हो जाते हैं, मेरा पूरा फोरहेड वॉज फिल्ड विद इट एंड सिर्फ स्किन केयर की वजह से इट वेंट अवे लिटरली लाइक मैजिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. सबसे पहले हम करते हैं ऑफकोर्स फेस वॉश. फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ. सो द फेस वॉश दैट आई यूज इज दिस वन बाय एम कैफीन. इट्स द ग्रीन टी फेस वॉश. द प्राइजेस आई विल ऑल्सो मेंशन हियर. पहले द फेस वॉश आई यूज टू यूज वॉज द हिमालय वन. दैट यूज टू मेक माई स्किन वेरी वेरी ड्राई, बट वो फेस वॉश बहुत अच्छा था. उससे कोई भी ब्रेकआउट नहीं होते थे. अगर थोड़ा भी मेरा पिंपल आने वाला होता था ना, उस फेस वॉश से सब गायब हो जाता था. वो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली वो वाला फेस वॉश आप यूज कर सकते हो. इट्स वेरी वेरी नाइस. मेरे घर पर अभी भी बाकी सब वो वाला फेस वॉश यूज करते हैं. एंड दिस वन इज माई होली ग्रेल. गाइस मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. दिस वन इज वेरी वेरी नाइस. आज मैं फेस स्क्रब नहीं करने वाली हूँ, बट अदरवाइज आई यूज दिस फेस स्क्रब ऑल्सो बाय एम कैफीन. इट्स द ग्रीन टी फेस स्क्रब. सेकेंड स्टेप इज टोनर. तो टोनर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टोनर इन देयर स्किन केयर रूटीन, क्योंकि उनको पता नहीं है टोनर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेस डर्ट, क्योंकि फेस वॉश के बाद भी थोड़ी सी डर्ट रह जाती है. सेकेंडली टोनर आपका जो पीएच लेवल है स्किन को मेंटेन करता है. थर्ड इज जो आपके ओपन पोर्स होते हैं टोनर उसको क्लोज करने का इफेक्ट देता है. और ऑल्सो टाइटन्स योर स्किन, बिल्कुल ऐसे टाइट टाइट यंग फील होती है स्किन. तो कोई पिंपल भी होता है ना आपके, तो टोनर लगाने से पिंपल भी सेटल डाउन हो जाता है. बस एक चीज है कि कभी भी टोनर लगा के अपनी स्किन को ऐसे ही मत छोड़ना. उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर स्किन, क्योंकि टोनर से थोड़ी ड्राई हो जाती है स्किन. तो पहला तो है बायोटिक वाला. दिस इज द टोनर दैट आई फर्स्ट स्टार्टेड यूजिंग. दिस इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. तो सोचो मैं ये टोनर यूज करती थी और हाँ इससे ड्राई हो जाता है, बट मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता था. But because this used to make my skin a little dry, I shifted to this one. This is by Dot & Key. बिल्कुल ही मिट चुका है मैं इसके ऊपर, कैसे पढ़ के बताऊँ आपको. This does the work and this doesn't make my skin so dry. We take a cotton pad. ऐसे लगाया, बिल्कुल ही तमीज नहीं है मुझे लगाने के. एंड जस्ट रब इट ऑल ओवर योर स्किन. थर्ड स्टेप दैट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज अप्लाइंग सीरम. सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीरम लगा के सबसे ज्यादा मजा आता है स्किन को. जैसे बॉडी को पानी पी के मजा आता है ना, वैसे स्किन को सीरम लगा के एकदम मजा आ जाता है. मुझे नहीं पता आप लोगों को, मैं जब फेस वॉश करती हूँ मेरी स्किन ऐसे बिल्कुल खिंचती है. फील्स की ड्राई कुछ डालो स्किन के अंदर. सो द सीरम दैट आई यूज डॉट एंड की हाइलुरोनिक सीरम कॉन्सेंट्रेट. इसका फॉर्मूला इतना ज्यादा अच्छा है और ड्राई स्किन के लिए तो परफेक्ट है ये. सो दिस इज द एप्लीकेटर. एंड जस्ट हल्के हाथ से डैब करना है, वरना सारा प्रोडक्ट आपके हाथ पे आ जाएगा. अंडर आई क्रीम. मैं स्टार्ट में अंडर आई क्रीम नहीं यूज करती थी अपने स्किन केयर में, बट नाउ आई यूज इट ऑन अ डेली बेसिस. एंड अंडर आई क्रीम आई यूज इज बाय एम कैफीन. आपके जो डार्क सर्कल्स हैं थोड़े थोड़े लाइट होते हैं, यूनि की एकदम ही आप सो नहीं रहे और आप एक्सपेक्ट करो कि पूरे हट जाए, ऐसा भी नहीं होता है. यस पफिनेस हट आता है एंड यस लाइट भी करता है. दिस कम्स विद अ पंप, और ऐसे निकालो एक पंप और इसको ऐसे लगा लो. और ये भी बहुत हल्के हाथ से करना है, बिकॉज अंडर आई एरिया बहुत सेंसिटिव होता है रिंकल्स आने के लिए. मुझे नहीं पता लोग ऊपर अप्लाई करते हैं ये करते हैं, बट मैं करती हूँ. सो यू गिव इट अ लिटिल मसाज ऑल्सो. नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजेशन. एंड फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन लाइक मी, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जिन लोगों को लगता है ना यार कि हमारी तो ऑयली स्किन है, हमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. आप लोगों को मॉइस्चराइजर लगाना वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए ही चाहिए यार. सो द मॉइस्चराइजर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग टुडे इज बाय डॉट एंड की. डॉट एंड की मेरे को एम्बेसडर बना ही लेना चाहिए. एंड एक एडेड बोनस है, अगर आप इस मॉइस्चराइजर को फ्रिज में रख के यूज करोगे ना गाइज, आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी. इतना मजा आता है ना ठंडा ठंडा मॉइस्चराइजर लगाने में. खुल जा भाई. गुड अमाउंट ऑफ द मॉइस्चराइजर. वो मैंने बहुत ज्यादा लगा ली. वाओ. इसके बाद अगर आप मेकअप करोगे ना गाइज, ये है मेरी वैसे मेकअप का जो राज आप लोग पूछते रहते हो ना, दिस इज द सीक्रेट स्किन केयर. इसके बाद यार देखो आपकी फेस कितना शाइन कर रहा है. इसके बाद अगर आप मेकअप करोगे
तो ऑब्वियसली वो शाइनी और ऐसा लगेगा ना. इफ आई एम डूइंग माई मेकअप तो मैं एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, विच इज दिस वन बाय बायोडर्मा. इसके ऊपर मेकअप ग्लाइड कर रहा है. इट्स वेरी थोड़ा थोड़ा स्टिकी है, इतना गीला होकर मैं बाहर नहीं जाऊँ क्योंकि थोड़ा स्टिकी फील होता है और मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है. बट फॉर मेकअप दिस मॉइस्चराइजर A1. बट आज हमने मेकअप नहीं करना है इसके बाद, सो आई विल स्किप इट. सेकेंड लास्ट स्टेप इन माई स्किन केयर रूटीन इज सनस्क्रीन. गाइस, सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वन आई यूज इज फ्रॉम बेयर बॉडी एसेंशियल. अरे निकल ही नहीं रही है. ओ वाओ, ओ वाह, डोंट फॉल. सनस्क्रीन से व्हाइट कास्ट आना बिल्कुल नॉर्मल है गाइस. सो द लास्ट स्टेप ऑफ माय स्किन केयर रूटीन इज लिप बाम एंड द लिप बाम आई यूज इज बाय प्लम कैंडी मेल्ट्स वीगन लिप बाम. एंड इसकी खुशबू गाइस, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, मैं क्या बताऊं. बिल्कुल बचपन में जो हम च्युइंगम नहीं खाते थे, बबल गम वाली. जेनरसली आई लव अप्लाइंग लिप बाम. कितना बोलती यार, मतलब लगाते लगाते भी चुप नहीं करूंगी. सो दैट वॉज इट फॉर माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन गाइस. It's night time, skincare time, guys. This is my washroom setup. Sorry if the voice is echoing. And पूरा का पूरा process night time का एकदम same रहेगा जैसे सुबह का था. बस सुबह भी use sunscreen और रात को हम use करने वाले हैं night. अब मैंने आज makeup नहीं करा है, फिर भी I'll have to do my night skincare. देखो अभी भी आपको दिख रहा होगा that सुबह के products अभी भी face पे हैं. फिर भी face पे बहुत ज़्यादा dirt है, उसके साथ सोना नहीं चाहिए. So we will do our night time skincare. पहले भी wash off face. गाइस मैं lenses लगाया हुआ है. ग्रीन टी सीड सीरम. दिस वन इज एक्सपेंसिव, फिर भी मैं वो वाला ज्यादा डॉट एंड की वाला प्रेफर करूंगी बिकॉज या तो ये मैंने कम यूज करा है. सॉरी लॉ कैश. That one feels nice on my skin. Oh, just only judging on the basis of feeling, वैसे काम तो दोनों ही अच्छा करते हैं. I'm just realizing यार मेरे स्किन कलर में ग्रीन टी कितना ज्यादा है, कितना शाइन कर रहा है सिर्फ सीरम लगाते ही. फिर अंडर आई क्रीम. नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सबसे पहले से नाइट जेल यूज कर रही हूँ. इट्स दिस वन एम कैफीन ग्रीन टी नाइट जेल. एंड ये वाला नाइट जेल एक्चुअली अभी तक का मेरा बेस्ट नाइट जेल है. मैं अभी तक भी इसके बिना नहीं रह पाती. नाइजल लगाने की फीलिंग सबसे बेस्ट होती है, एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी जाती है. इसके बाद जब अगले दिन आप उठते हो ना, आपकी स्किन फील सो नाइस. लास्ट स्टेप लिप बाम. इट्स बाय लिनीश. इट्स द लिप स्लीपिंग मास्क. और इसकी कंसिस्टेंसी गाइस इतनी अच्छी है. इट्स द शेड बेरी. So that was it for the video guys. That was my night time routine. I hope you guys found something useful in this video. आप लोगों को और भी अगर कुछ जानना है या फिर information चाहिए, so ask in the comment section below and I'll answer it for you. Share करो with your friends who need skincare in their life. And I'll see you in the next one. Bye.